अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 9 शेयर करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस क्वेश्चन के हमने बनाने हैं फैक्टर। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35। यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये मतलब जिस तरह इसकी वैल्यूज ठीक लिखी हुई हैं, जिस तरह पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है फिर एक्स और फिर कांस्टेंट, तो ये जो फैक्टर हैं इसके हम फैक्टर आसानी के साथ बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x को पहले देखेंगे, अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन हम ले सकते हैं तो कॉमन लेंगे। ये देखें, इसमें एक्स स्क्वायर और इसमें एक्स है, तो एक्स को हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, क्योंकि एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो जब एक्स कॉमन लिया तो इस एक्स स्क्वायर में से, इसकी पावर में से एक तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एक्स की पावर 1। तो रिमेनिंग यहाँ पे एक्स बच गया, और माइनस ये 5x है, माइनस दरमियान में लगाया, एक्स हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे रिमेनिंग 5 बच गया, माइनस का 5। और इन दोनों में से 7 हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 35 को हम 7 पे डिवाइड कर सकते हैं, 7 5 35, तो 35 को 7 पे डिवाइड क्योंकि कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई इस तरह का कांस्टेंट कॉमन लेते हैं तो अगली वैल्यूज़, जिस तरह ये 35 है सेकंड वैल्यूज़, तो उस पर हमने जो हम डिजिट कॉमन ले रहे होते हैं उस पर डिवाइड करना होता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि 35 पे हम 7 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ये देखें 7x प्लस 35 है, इसमें से हम 7 कॉमन ले चुके हैं, तो रिमेनिंग यहाँ पे एक्स बच गया, माइनस, क्योंकि हम माइनस भी कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे अगर प्लस लिख देते तो प्लस माइनस अगर दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए, तो इसलिए माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए माइनस लगा दिया है। और 35 का जब 7 कॉमन लेंगे तो 35 को 7 पे डिवाइड करना है, 7 5 35, तो यहाँ पे आ गया 5। अब ये 2 times x minus 5 है, तो हम 1 time x minus 5 लिखेंगे, और 1 time ये जो वैल्यू लिखी हुई है एक्स माइनस 7, ये जो बाहर हमने कॉमन लिया है उसी को इसके साथ लिख देंगे, तो एक फैक्टर ये बन जाएगा और दूसरा, इन दोनों को 1 times लिखने से दूसरा फैक्टर ये एक्स माइनस 7 एंड एक्स माइनस 5। इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।